नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि आपसे काफी समय तक, लगभग सवा या डेढ़ साल तक छुपाई गई है। और ये जानकारी लेना और ये जानकारी आपके पास होना आपका पूरा पूरा अधिकार है। ये सब होते हुए आपको ये जानकारी नहीं मिल पाई। ये जो भी कोरोना का, कोविड का काल रहा है पिछले साल मार्च 2020 से, ये सबके लिए बहुत ही तकलीफ वाला समय रहा है। और ये सब होते हुए सब लोग अपने घरों में जो भी जानकारी ले रहे थे, वो टीवी चैनल या न्यूज़पेपर से या फिर ऑनलाइन, क्योंकि कुछ समय तो न्यूज़पेपर्स भी बंद थे, और ऑनलाइन में आपसे बहुत सारी जानकारी छुपाई जा रही थी। वैसे इस विषय की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये जितनी राज्य सरकारें हैं, इन लोगों ने इस कोविड के समय के दौरान, इस पीरियड में, जितने भी आइसोलेशन सेंटर बनाए या क्वारंटाइन सेंटर बनाए, ये सब आपके यानी जनता के पैसों से बनाए। पब्लिक फंडिंग है, ये पब्लिक ट्रेजरी से खर्चा हुआ है। और जो कि न्यायालयों के आदेश हैं, वो चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके आदेश हैं कि जहां पे भी पब्लिक फंडिंग का कुछ भी प्रोजेक्ट होगा, कुछ भी काम होगा, तो उसकी जानकारी पारदर्शकता यानी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए वेबसाइट पोर्टल पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि कई राज्य सरकारें कहेगी कि हमारे पास मैन पावर कम था, हमारे कोई कोविड का मुकाबला करने के काम में मैन पावर की शॉर्टेज हो रही थी, तो हम ये सब कैसे करते। वो एक चीज अलग है, वो तब नहीं हुआ, लेकिन सवा साल डेढ़ साल का समय कोई कम नहीं था, तो अब ये बहाना नहीं चलने वाला है। तो आपको ये बात बता दें कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है एक तरीके से, और जनता का जो अधिकार है, जिस अधिकार से ये लोग हमारे पास वोट मांगने आते हैं, जनता के पास वोट मांगने आते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या उनका कर्तृत्व नहीं है? क्या उनका कर्तव्य नहीं होता कि ये पूरी जानकारी देर से सही लेकिन अपडेट की जाए? खाली शाम को एक फिक्स समय पर एक प्रेस नोट मीडिया को देने से हो गया? और मीडिया कोई सबके सब न्यूट्रल नहीं है, कई सारे बाइस्ड हैं उसमें, चाहे ये न्यूज चैनल हो चाहे आपके न्यूज पेपर हो, वो अपने तरीके से वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे जनता को। उसमें से कितना दिखाना है, क्या छुपाना है, नहीं छुपाना है, वो जाने। लेकिन बहरहाल अब इस विषय की पूरी जानकारी देने का हमारा भी फर्ज बनता है। आपको हमारे पास जो जानकारी आ चुकी है वो आज हम आपको देंगे कि ये किस तरह से छुपाया गया, आपके साथ किस तरह से नाइंसाफी की गई। और उसकी जानकारी कुछ इस तरह से है कि पहला आज का हम विषय लेंगे महाराष्ट्र प्रदेश का। अब ये विषय लेने से पहले और उसकी पूरी डिटेल देने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इसी तरह से सही सही जानकारी लेने के लिए आप हमारे विश्व भारती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का स्विच दिया हुआ बटन दिया हुआ, उसे जरूर क्लिक करके वहां पर ऑल को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज और लाइव स्ट्रीमिंग शोज की सही सही समय पर नोटिफिकेशन आते रहे, जानकारी मिलती रहे, और आप भी हो सकता है तो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग शोज में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हम आते हैं अपने मूल विषय पर। महाराष्ट्र प्रदेश में यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां पर की 48 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट 48 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से कुछ लोगों ने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें जो जानकारी मिली वो हम आपको बता रहे हैं। हमारा सोर्स भी हम आपको डिस्क्लोज करेंगे, और इस विषय पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में थी, तो ये सबके समझ में नहीं आएगी, इसके लिए इंग्लिश में जो लोग समझते हैं या हिंदी में समझते हैं ज्यादातर लोग, तो हिंदी में ये जानकारी देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में 48 जिले हैं, 48 डिस्ट्रिक्ट्स, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक एमपी यानी एक सांसद चुनके जाता है, और उसमें से 6 जिले जो हैं वो मुंबई शहर, मुंबई महानगर जिसे कहा जाता है, वहां पर है, बाकी महाराष्ट्र के बचे 42 जिले। अब ये सब के लिए एक कोविड पोर्टल बनाना जरूरी था, कंपलसरी था, वो सबके लिए नहीं बनाया गया। ये जो 42 जिले बच गए मुंबई शहर छोड़कर, मुंबई महानगर को छोड़कर, वो 42 में से सिर्फ 36 जिलों में पोर्टल बनाया गया, और उसका भी कोई एक सिंगल फॉर्मेट नहीं था, हर जिले का अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट। तो यहाँ पर सवाल आता है कि महाराष्ट्र DGIPR जो इंफॉर्मेशन की जो डिपार्टमेंट बैठी है, जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर है, वो क्या कर रहे थे?
क्या उनका ये कर्तव्य नहीं था कि सबको एक सिंगल फॉर्मेट में एक पोर्टल बना के डिजाइन करके दे दिया जाए? दूसरा विषय, इसके बाद ये मालूम हुआ कि ये 36 जिलों में से, यानी ये 36 वेब पोर्टल्स में से सिर्फ 20 पर डेटा अपलोड किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था, वो भी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही थी, उसकी भी आपको हम जानकारी देंगे। तो अगर 48 जिलों में से सिर्फ 36 का वेब पोर्टल बनाया जाता है और उसमें से भी सिर्फ 20 में, वो भी पार्शल डेटा अपलोड किया जाता है, जानकारी दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, और वो अधूरी किस तरह से थी उसका भी सबूत कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, उसकी जानकारी दी गई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। अब ये जो 20 जिले हैं, इनका जो इनकम्प्लीट डेटा है उसके, अगर आप उसमें जो जितने लोगों की मृत्यु हुई है कोविड से, उसकी अगर जानकारी अगर आप पूरी इकट्ठा करेंगे वो 20 पोर्टल से, तो उसका जो टोटल होगा वो 20,000 होगा। और उसी समय महाराष्ट्र प्रदेश का, यानी महाराष्ट्र सरकार का जो पोर्टल है उसपे मृत हुए लोगों की, कोविड से मृत्यु हुए लोगों की संख्या 110,000 बताई गई। अब अगर ये जानकारी एक तो फॉर्मेट में नहीं है ये 20 जिलों की, और बाकी की तो है ही नहीं, यानी बाकी 28 जिलों का कोई अता पता नहीं। अब ऐसे हालात में जब इंसान घर के बाहर नहीं निकल सकता कोविड के डर से, लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा है, जो भी है, तो वो कहाँ से डेटा लेगा रियल टाइम? तो वो तो लेगा अपने मोबाइल से जो है वो लोग देखेंगे, अब वहां पर डेटा ही नहीं है, तो लोगों को क्यों वंचित रखा जाता है? इन छोटी छोटी बातों से सही सही जानकारी दबाने का प्रयत्न क्यों किया जाता है? क्या ये बड़ा घोटाला नहीं है? लोगों से क्यों छुपाया जा रहा है? उनका पैसा है, उनके पैसों से इलाज चल रहा है, खर्चा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र में? न्यायालय का आदेश होते हुए ये सब इस तरह से चलेगा? तो ये सब जो है ये कंपाइलेशन नहीं करते, अपडेट नहीं करते, और इसका कोई कारण आज तक इन्होंने नहीं बताया है। अब ये सब डेटा का, ये पूरी जानकारी का सोर्स कुछ इस तरह से है कि जब भी आप सरकार से कुछ जानकारी लीजिए तो क्या आपको जानकारी दी जाती है, क्या उपलब्ध कराई जाती है? नहीं कराई जाती। क्यों? जनता के पैसे से सरकार चलती है और उसी जनता को जानकारी से वंचित रखा जाता है, ये कहां का न्याय है? ये जानकारी छुपाने के पीछे क्या राज है, क्या कारण है? क्या अंदर कोई घोटाला है? क्या कोई फाइनेंशियल स्कैंडल किया गया है? कोर्ट के आदेशों की अवमानना की गई, क्यों की गई? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सबके ऑर्डर को एक दस्ते में बंद करके रख दिया गया, किस वजह से? कुछ तो होगा उसके पीछे। सवा साल, डेढ़ साल में आप कभी भी अपलोड नहीं करेंगे, जनता को जानकारी नहीं देंगे, ये किस तरह का न्याय है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या किसी अफ्रीकन छोटी कंट्री बनाना रिपब्लिक जिसे कहते हैं, क्या उस तरह की ये डेमोक्रेसी है? यहां पर पारदर्शिता की जरूरत है। व्हाट्सएप पे दुनिया भर के डेटा घूम रहे थे लेकिन ये डेटा अपलोड नहीं हुआ गवर्नमेंट के पोर्टल पर। जनता के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स का कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उसमें जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे और इसके पीछे क्या कारण है उसके ऊपर भी ध्यान दे, और अगर उनसे पॉसिबल है तो इस विषय की जरूर जांच कराए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को बुलाकर या उन्हें चिट्ठी लिखकर या उन्हें ईमेल करके इस चीज का उनसे सवाल पूछा जाए और ये पूरी की पूरी जानकारी अब कुछ ही दिनों में और उसके बाद रेगुलर अपडेट होनी चाहिए। इसकी जो पूर्तता है वो केंद्र सरकार का काम है इनसे करवा के देना। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये विषय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अंडर आता है और उनके नीचे जो विषय आते हैं मुख्यमंत्री के सचिवालय मंत्रालय के नीचे, उसमें अगर इस तरह से चल रहा है तो बाकी मंत्रियों के यहाँ क्या चलता होगा, बाकी मंत्रालयों में क्या चलता होगा, मिनिस्ट्री में क्या चलता होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। तो इस तरह की ये गलत बात, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसकी जो पूरी जानकारी हमें मिली, हम आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव दिव्या ढोले जी, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी में उन्होंने पूरी टेक्निकल जो है जानकारी दी इन 36 जिलों के वेब पोर्टल के बारे में, और उन्होंने ये 20 वेब पोर्टल जहां पर भी डेटा ये अपडेट किया जा रहा है और वो भी पार्शल, उसकी भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। उनका बहुत अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड है, वो IBM में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर चुके कई साल,
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया और धारावी जैसे इलाके में उन्होंने बहुत काम किया। उसके पहले उन्हें मौका दिया गया था धारावी जैसे इलाके में चुनाव लड़ने का, वो वहां पर चुनाव लड़े और मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर उनकी सीट आई थी, खैर वो बात और है। उसके बाद उन्होंने लगातार 5 साल काम किया, वहां पर उन्होंने सीएफसी खोले, यानी सीएससी खोले यानी कस्टमर सर्विस सेंटर, जहां पर उनके ऑफिस में आधार कार्ड राशन कार्ड ये सब की जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की जाती थी और लोगों को पूरा गाइडेंस दिया जाता था, उद्योग आधार और पैन कार्ड और हर चीज की फैसिलिटी वहां पर मिला करती थी। आजकल उन्होंने अंधेरी वर्सोवा में वहां उनका ऑफिस है और वहां पर वो सबके लिए उपलब्ध रहते हैं, वहां पर भी ऐसा सीएससी है जहां पर हर चीज की सुविधा उपलब्ध होती है, वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है बाकायदा और वहां की जनता बहुत उनके सेवाओं का लाभ उठाती है उनके ऑफिस से और उन्हें बहुत सारी उपलब्धियां वहां पर अवेलेबल करके दी है। तो ये सब जो विषय है उन्होंने मराठी में इस जो डेटा गेट का जो स्कैंडल है उसके बारे में उन्होंने मराठी में जानकारी दी थी, उसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको हिंदी में दी है। और आपको एक और बात बता दें कि उनका जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मराठी में वीडियो है उसकी लिंक हम आपको इधर ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप उसमें उनका मराठी का वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस वीडियो की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी इस एपिसोड की तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस विश्व भारती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ताकि आपको समय पर हमारे सभी वीडियोस की एपिसोड्स की और लाइव शोज की जानकारी समय पर मिलती रहे और आप भी उसमें भाग ले सकें। आपका जो भी इस विषय में आपकी राय है वो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी भी इस यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें मेल करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारा ये वीडियो देखा, ये एपिसोड देखा, इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।